Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ride With On. तो आज क्या होगा? तो पिछले वीडियो में काफी ज्यादा सपोर्ट मिला एंड एक काम तो बाकी रह गया था, वो है ये जो सर्विस मीटर है ना, ये देख रहे हो ना, अभी दिखाई दे रहा है एंड इसे कैसे हटाना है ये बहुत लोग पूछ रहे थे। तो चलो मैं आज वो भी एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे रुकना पड़ेगा, वो मैं आगे साइड में रुक जाता हूँ एक सेकेंड। चलो वाओ, बिल्कुल मक्खन हो गया है सच में। और एक चीज का तो सवाल आने वाला है, और एक चीज आपको सुनाई दे रहा है। तो पहले सर्विस मीटर को ऑफ करते उसके बाद बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कुछ चीज बाइक के बारे में। तो अभी सर्विस मीटर को कैसे हटाया जाए, तो अभी मैं बाइक अभी इधर पे साइड में बंद करता हूँ, ये बंद हो गया। चलो सबसे पहले ऑफ करना है, ये ऑफ कर दिया, उसके बाद ऑन किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मोड का बटन है, यहाँ पे एस पता नहीं क्या है, एस सिलेक्शन होगा। तो चलो मैं मोड बटन प्रेस करता हूँ। ये देखो मेरा लास्ट जो हाई स्पीड है ना वो है। तो अभी क्या करना है, ये मोड एंड सर्विस जो भी हो, ये दो बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो चलो मैं प्रेस करता हूँ एंड देखता हूँ कितना टाइम पे बंद होता है। देखते जाओ देखते जाओ। बंद हो बंद हो। घर में सर्विस करते हो तो ऐसे ही आपको बंद करना पड़ेगा। हो गया, ये देखो बंद हो गया, दिखाई दे रहा है। तो अगर घर में सर्विस करते हो तो सर्विस को भी हटाना पड़ेगा एंड चलो अभी एक काम करते, चलो और एक इसको ले लेते, ये 9.9 सेकंड वाला, इसको और एक बार टेस्ट करते कितना में जाता है, मतलब कितना फास्ट जाता है देखते। रेडी, तो 0 to 60 7.5 सेकेंड में अभी भी जा रहा है, काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है ना। तो सर्विस को लेके उतना टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है, आप घर में सर्विस करो या बाहर में करो, आपको ऐसे ही इसे बंद करना है। हर एक गाड़ी का अलग है, मगर TVS 164V 204V एंड 164V एंड 204V का जो BS6 वर्जन आया है उसका भी सेम प्रोसीड्योर है। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप घर में सर्विस करो एंड अच्छे से करो। एक्चुअली बाहर में सर्विस करते मैं भी करता हूँ, मगर क्या है ना, अपना गाड़ी को मेरे को अपने हाथ से साफ करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं खुद इसे साफ करना बहुत पसंद करता हूँ एंड गाड़ी को साफ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं खुद सर्विस करता हूँ एंड अगर कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम आया ना तब मैं सर्विस स्टेशन में ज़रूर जाता हूँ। अभी बाइक एकदम ओके है एंड अभी मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ एंड सन डायरेक्ट कैमरे पे आ रहा है एंड अगर ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हो गया। तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो ज़रूर करो, मैं आंसर कर दूंगा। उसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो करो, राइड विद ऑन, उस पर DM कर दो, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो ये वीडियो छोटा सा ही था, सर्विस इंडिकेटर को कैसे ऑफ करना था वही दिखाना था आप लोग को एंड छोटा मोटा प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है बाइक में, उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा एंड चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।